नमस्ते। ఎక్కడ అమ్మా మీరు? హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ వెళ్తారు అమ్మా మీరు? బీదర్ ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రీ బస్ ఏనా అమ్మా మీకు? ఆ ఇప్పుడు తీసుకో టికెట్ తీసుకో టికెట్ తీసుకోనా తీసుకో ఇది తీసుకో ఆ ఫ్రీ బస్ एट्लम्मा इक फ्री बस बस जगह दाइम को बस टाइम को ले बस रूम मूड गंटल कुर्चुना इक बस बस प्रॉब्लम इदे प्रॉब्लम बस अपड़ना उ इप्ड ले बस इंतक मुझे इंतक मुझे बस एक्वे इप्ड ले फ्री चेसा अट्ला फ्री आनी ले मेमेलानी वा बस ले बस ले वीदू अंत इपड़े सो मूड ना गंटो एक्वेद रात्रि अत वरक अदे बाधा उ मेम पय वर को आलस बस लेनी फ्री की दाखी संबंध लेकिन రేవంత్ రెడ్డి పాలన ఎట్లా అనిపిస్తుంది అమ్మా? ఏం తెలుస్తలేదు అండి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఆ ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తలేదు. ఏమైనా డెవలప్ అనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు అట్లాతే ఏం కనిపిస్తలేదు. లాస్ట్ గవర్నమెంట్ మంచిగా ఉందిరా? ఏమైనా డెవలప్ చేసిందంటే ఆయన అది కూడా ఏం లేదు మాకు ఏం కనిపిలే అది కూడా. ఏం కనిపిలే? అది కూడా ఏం కనిపిలే. ఏం డెవలప్ చేయలేదు. లేదు. చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడే డెవలప్ అయ్యింది. చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడే డెవలప్ అయ్యింది. ఆ అప్పుడే డెవలప్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మోడీ చేస్తున్నాడు. कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस के नहीं सिर्फ मोदी हाँ कांग्रेस बोले तो बस इतने साल 70 साल क्या करी वो सिर्फ बस गुंडागर्दी चोर बस बेच के देश को बहुत खाया बस कुछ जो कुछ कर रहा विकसित भारत बस मोदी नरेंद्र मोदी बस, बस ऐसा सोचो कि ये जो हमको देने की शक्ति उसको दो भगवान बस हाँ बस वो कर रहा हमारा 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 हमारे बच्चों का भविष्य जो भी है नरेंद्र मोदी जो भी है अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी लाया है उसकी वजह से हम एटलीस्ट सांस तो ले पा रहे हैं डिजिटल इंडिया हो या जो जो भी करप्शन है वो जो कम हुआ है इसकी वजह से हुआ है ट्रांसपेरेंसी आया है एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी है तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और एक बार बीजेपी ही आना चाहिए और हम तो मोदी जी को ही देंगे और उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं बस एक बार नहीं हर बार हर बार हर बार बीजेपी मोदी जी आने चाहिए राहुल गांधी भी अच्छा फिर ना मैडम ये भारत जोड़ो यात्रा डाल के वोट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमेशा कर्फ्यू रहता था नहीं हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम झगड़े रहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मैं छोटी थी हम स्कूल से हमको अचानक छोड़ डालते थे स्कूल से घर आना हमको मुश्किल होता था कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कभी भी कर्फ्यू होता था इसके बाद NTR आया चंद्रबाबू की आई गवर्नमेंट तब से झगड़े सब कम चल खत्म हो गए कोई नहीं था हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं था अभी हम जो जी रहे हैं हिंदुत्व यानी कि भारतीयत्व के ऊपर जी रहे हैं हम जो जाति धर्म के ऊपर नहीं जी रहे हैं हम जो भी जी रहे हैं हमारा भारतीयत्व नेशनलिज्म के ऊपर जो चल रहा है इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी और एक बार आ जाए यानी कि सारे लोग भारतीय हो जाए ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चन ना सिख सब लोग जो है वो हिंदुत्व भारतीयत्व के नारे से जी रहे यही इसलिए हमको यह गवर्नमेंट चाहिए क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट है और हम नेशनल एजेंडा पे ही विश्वास करते हैं ना कि जाति और धर्म पे इसलिए हमको हम चाहते हैं कि नेशनल जो नेशनलिटी को मेंटेन रहता है रखता है रख सकता है वही गवर्नमेंट आ जाए बस इतना ही कोई भी ये नहीं है कि राहुल गांधी खराब है या मोदी जी खराब है ऐसा नहीं है आएंगी तो वापस हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर रहना चाहिए इसलिए यही बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम सब भारतीय है और इसके ऊपर ही हमको जीना है यही हमारी यूनिटी है धन्यवाद।